दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आन खड़ा है, जिस कारण वो अन्य साधनों की तलाश कर क्षेत्र में मजदूरी करने की जुगत में रहते हैं। यही कारण है बस चालक उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर परमिट रूट छोड़कर अन्य मार्गों पर मजदूरों को ढोने में लगे रहते हैं। मामला सिंगरौली का है, जहां पुलिस ने क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही बस पर कार्यवाही की है। पुलिस गश्त के दौरान 54 सीटर बस में लगभग 130 यात्री सवार थे। वहीं बस का परमिट भी चितरंगी सिंगरौली बैडन रूट का बना हुआ था, लेकिन ये बस रूट बदलकर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही थी। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बस को खड़ा कर लिया। आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले इस क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने पिकअप वाहनों से मजदूरों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जिससे ग्रामीण अंचलों में रह रहे मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आन खड़ा था, जिस कारण अब वो अन्य साधनों की तलाश कर क्षेत्र में मजदूरी करने की जुगत में रहते हैं। यही कारण है कि उनकी मजदूरी का फायदा उठाकर बस चालक परमिट रूट छोड़कर अन्य मार्गों पर मजदूरों को ढोने में लगे रहते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।